हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग इंडिया का पहला इंटरनेशनल मरी सर्विस क्लस्टर जो है वो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद गुजरात के अंदर बनेगा नाउ व्हाट इज दिस इंटरनेशनल मरी टाइम सर्विस क्लस्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या करेगा हमारी जितने भी मरी टाइम मतलब कि क्या हुआ जो शिपमेंट्स होते हैं ना शिपमेंट्स की सर्विसेस के अंदर इंप्रूव करेगा नाउ शिपमेंट की सर्विसेज में इंप्रूव करने का मतलब है कि ग्लोबल शिपमेंट के अंदर हमारा परसेंटेज शेयर बढ़ेगा विच मीन्स हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो भी काफी इंप्रूव होगा नाउ ये यहां पे बनेगा गिफ्ट सिटी के अंदर सो व्हाट इज दिस क्लस्टर और गिफ्ट सिटी क्या है साथ ही में इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि यहाँ पे एक जीएमबी है विच इज वी कॉल एज गुजरात मरीटाइम बोर्ड ये एक स्टेट रन पोर्ट ऑपरेटर एंड रेगुलेटर है जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल मरीटाइम सर्विस क्लस्टर गिफ्ट सिटी के अंदर एस्टैब्लिश करेगा ये जितनी भी मरी टाइम फैसिलिटी होती है ना एंटायर मरी टाइम फटर्निटी के लिए चाहे वो छोटे से छोटे शिपमेंट से लेके चाहे एक फॉर्म फिल करने से लेके एक लीगल सर्विस प्रोवाइड करने से लेके यहाँ पे ऑयल तक मतलब उनको जो ऑयल प्रोवाइड uh, होता है वहाँ तक हर एक चीज का एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा गुजरात मरीटाइम बोर्ड इज ट्राइंग तो टू डेवलप दिस दिस क्लस्टर कैसे करेंगे थ्रू इसकी एक सबसाइडरी है जीपीआईएल डी एल सी जिसको हम बोलते हैं गुजरात पोर्ट्स इंफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इन क्लस्टर को इस सब के थ्रू डेवलप करा जाएगा तो ये क्लस्टर क्या है देखो अभी की बात नहीं 2007 से इसकी बात बन रही है कंसेप्चुलाइज करा जा रहा है इसको किस तरह हमको एक इंटरनेशनल मरीटाइम क्लस्टर होना चाहिए जहां पे पूरा सबका एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा बट इन प्रिंसिपल 2015 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से इसको अप्रूवल मिल गया था अप्रूवल मिलने के बाद या फिर जब कंसेप्चुलाइज भी कराया गया था तब से ये पहला अपनी तरीका दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड कमर्शियल मरीटाइम सर्विस क्लस्टर बनेगा जिसके अंदर कॉम्पिटेटिवनेस ये कमर्शियल है ठीक है ये कमर्शियल मरी टाइम सर्विस है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा तो ये सब क्या होगा आपस में एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन लेके आएंगे और सेल्फ सफिशंसी के थ्रू मरी टाइम सेक्टर के अंदर इंडिया को मरी टाइम सेक्टर के अंदर एक सेल्फ सफिशंसी जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना तो इसको ऐसा समझिए कि ये भारत को मरी टाइम फैसिलिटीज के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत ही अच्छी पहल है तो इसके अंदर डेडिकेटेड इको होगा पूरे पोर्ट का मरीटाइम शिपिंग का लॉजिस्टिक का मतलब यू नेम इट जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती है वो सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी जितने भी मरीटाइम इंडस्ट्री के प्लेयर हैं चाहे वो रेगुलेटर हो ठीक है इसमें सब आएंगे रेगुलेटर हो सकता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज मरीटाइम शिपिंग इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन जितने भी बिजनेसमैन्स हैं बिजनेस मैन एंड वुमेन बोथ एंड इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जैसे कि शिपिंग फाइनेंस के लिए हो गए मरीन रिंग्स इंश्योरेंस के लिए हो गए मरी टाइम आर्बिट्रेड ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मरी टाइम लॉ फॉर्म्स एंड मरी टाइम आर्बिट्रेडर ये ना ए डी आर की तरह भी वर्क करेगा जो जितने भी अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं तो ये डिस्प्यूट भी यहाँ पे डिजोल्व करेगा और यहाँ पे एक स्टेट इन आर्ट का मरीटाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा जहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी ट्रेनिंग दी जाएगी मिड मिड टर्म मिड ईयर ट्रेनिंग एंड इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गिफ्ट सिटी है इसको गिफ्ट सिटी में क्यों खोला जा रहा है क्योंकि ये गिफ्ट सिटी ऑलरेडी इस तरीके से बिल्ड करी गई है कि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन देती है मतलब यू नो वी से इट मोर लाइक इन इंटरनेशनल पार्ट ऑफ़ आवर नेशनल पार्ट सो ये एक पूरा सीमलेस इन्वॉर्मेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी पूरी रोबोस्ट मरी टाइम फर्टर्निटी के लिए और इसकी वेल्यूशन को स्ट्रेंथन करेगी गिफ्ट सिटी के अंदर क्योंकि ऑलरेडी स्टेट एंड आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन हैं तो वो वहाँ पर जो मरी टाइम क्लस्टर बन रहा है उसको फोस्टर करने के लिए इनोवेशन के लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए कॉलोब्रेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नाउ अगर हम इसको क्रक्स में समराइज करें तो मरी क्लस्टर में हमारा क्या होगा पोर्ट देखो ये तो सारी चीज़ें होनी है मरी टाइम का मतलब हम इतना तो जानते ही हैं कि शिपिंग होगा पोर्ट होगा लॉजिस्टिक्स होगा इसके अलावा ये जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं या जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं इनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सोलूशनस भी चाहिए होते हैं कभी कभी इनके बीच में डिस्प्यूट आ जाता है एग्रीमेंट में डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो दे नीड द इंटरमीडिएट सर्विसेज आल्सो, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस हो गई लीगल एडवाइजर हो गए कंसल्टेंट्स हो गए हैं ठीक है और ये इन सब ये थोड़े इनमें से कुछ टेक्निकल कुछ नॉन टेक्निकल दोनों वर्क होता है तो इसके लिए दे नीड ट्रेनिंग ऑल्सो दे नीड स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो तो उसके लिए सपोर्ट सर्विस दी जाएगी जैसे मरी टाइम एजुकेशन एंड रिसर्च करा जाएगा और साथ ही में क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस मैन एंड वुमेन आएंगे तो उनके उनको उनको एक आ, ऐसा बोलते ना कि ट्रेड एसोसिएशन एंड रेगुलेटर्स का सपोर्ट मिलना तो वो भी यहाँ पे होगा तो मरी टाइम क्लस्टर में हर एक चीज जो आप सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए या एक पर्टिकुलर लाइन को चलाने के लिए चाहिए होगी वो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी फॉर्म फिल करने से लेके अपना केस फाइट करने तक हर एक चीज यहाँ पे मिलेगा तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है सबसे पहले तो ये मरीटाइम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा दिस प्रोजेक्ट विल ब्रिंग बैक क्योंकि बहुत सारे जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है टाटा बिरला ग्रुप है ये दुबई एंड सिंगापुर के जो इस तरीके के मरीटाइम क्लस्टर्स हैं वहां पे जाके सेटल हो गए हैं वहां पे जाके सेटल हो होने का मतलब है कि देयर देयर ऑफिसेस देयर तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेसेस uh, चल माइग्रेट हो गए थे इंडिया से फॉरेन लोकेशन के अंदर जैसे कि दुबई एंड सिंगापुर के अंदर वो वापस आ जाएंगे यहाँ पे क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था एबसेंस ऑफ राइट इको था लेकिन ये इंटरनेशनल मरी टाइम क्लस्टर खोलने से यहाँ पे ये राइट इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा इसकी वजह से यहाँ पे हमारी टाइम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा जब देखो किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है ये क्या लेके आता है पैसे लेके आता है मनी मनी से क्या होगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उसमें क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है या अगर हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बोल रहे तो वो भी रन करेगा दन इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ऑल्सो गुजरात के अंदर बहुत सारे पोर्ट है गुजरात का जो जैसे कि कांडला पोर्ट हो गया है बाकी भी जो माइनर पोर्ट्स हैं वो इंडिया का लगभग 40 परसेंट तक का कार्गो और ये बहुत बड़े हिंटरलैंड एरिया को भी कवर करता है तो इसमें ये ना सिर्फ ये इंटायर चेन को टारगेट करेगा बल्कि जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर उनको भी ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा एंड देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर यहाँ पे सेटअप करा जाएगा गुजरात मरीटा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेटअप करी जाएगी जो मरीटन क्लस्टर का एक पार्ट होगी और ऐसा कोई ना अभी तक सेंटर इंडिया में ऑलरेडी है नहीं तो दिस वुड दिस वुड बी लाइक वन ऑफ इट्स ओन तो काइंड इसमें क्या होगा कि अगर जैसे बैंकर डिस्प्यूट्स हो गए हैं या शिप शेल का शिप बिल्डिंग का शिप रिपेयर का कमोडिटीज़ का शिप ब्रेक का अगर इस तरीके किसी भी तरीके डिस्प्यूट होते हैं तो उसके लिए यू डोंट हैव टू गो एनी दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन सारे सोल्यूशंस यहीं पर मिल जाएंगे एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड जो इंडियन प्लेयर्स हैं अगर वो इंटरनेशनल जैसे कि मान लो इंटरनेशनल जो अल्टरनेट डिस्प्यूट सोल्यूशन हैं जिन जिनमें उनको बाहर जाना पड़ता है मान लीजिए अगर उनको दुबई या सिंगापुर जाना पड़ेगा तो आने का जाने का कॉस्ट टाइम एंड ट्रेवल ये सारी चीज़ें बच जाएगी और इंडिया के अंदर ही एक बहुत अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बन जाएगा तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मरीटाइम क्लस्टर इंडिया के अंदर है वो थोड़ा सा नया है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड लेकिन ये दुनिया के लिए नया नहीं है जैसे आप रोटेडम जितने भी इंपॉर्टेंट शिपिंग एरियाज़ हैं सिंगापुर हांगकांग ऑसलो शंघाई लंदन चोटरडेम ये जितने भी हैं इन सब के अंदर ऑलरेडी इस तरह के कॉम्पिटिटिव पोर्ट क्लस्टर्स हैं तो दिस इज न्यू फॉर इंडिया बट दिस इज नॉट न्यू अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो, तो ये हमको क्या करेगा कि मरीटाइम फैसिलिटीज में एक स्टेप आगे लेके आ रहा है और क्योंकि इंडिया हैज़ टू इन्श्योर इथ सिग्निफिकेंट फूट ना अगर हम अपना इम्पोर्ट कम करने एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं तो वे हेव टू कम अपिया दिस इज वन ऑफ न्यू आइडियाज तो एक बार गिफ्ट सिटी क्या है देखो गिफ्ट सिटी क्या है कि ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये यूपीएससी के अंदर डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ाई होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स तो ये ऐसा है जहां पे आपको जितनी भी इमर्जिंग ग्लोबल फाइनेंस एंड आई टी सर्विसेज होती हैं बिना किसी हसल के यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल जितनी भी सर्विसेज हैं वो बहुत ही हसल फ्री मिल जाती है दिस इज वन ऑफ इट्स इंडियाज काइंड ये ग्लोबल बेंच मार्क का जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है ना इसको इस तरीके से डेवलप करा गया है एक्सीलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे विद एक्सटर्नल एक्सीलेंट एक्सटर्नल कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे सो ये गिफ्ट सिटी है हमारा वेल दिस वॉज जस्ट वन स्मॉल न्यूज लेकिन प्रिलिम्स प्लस मीन्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मीन्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मरी टाइम के ऊपर या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, this this है? This, uh, मैं अपने बारे में बता दू मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो लिटल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर बुद्धा पे सुन सकते हैं वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर एंड दिस इज विल सी नेक्स्ट अपना ध्यान रखिए खूब सारा पानी पीजिए

अपना जो एक्स्ट्रा कॉशंस एंड प्रिकॉशंस हैं उसको नहीं लूज करना है वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल सो आई होप देट यू ऑल विल बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट जे हिंद